हर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और इस प्रॉब्लम से आप जितना भी दूर भाग लो ये आप तक पहुंच ही जाता है। नहीं नहीं मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की। ये एक ऐसा रोग है जो किसी को भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। जैसा कि कम मार्क्स आ गए हैं स्ट्रेस, भूख लगी है स्ट्रेस, एग्जाम्स आ गए स्ट्रेस, सेल्फी में लाइक्स नहीं आ रहे हैं स्ट्रेस, जियो का नेट खत्म हो गया स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस से डिप्रेशन पैदा होता है। अरे वो डिप्रेशन है, मेरा मतलब है डिप्रेशन। एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंडियन पेरेंट्स की निजी दुश्मनी है? बकरे जैसी हेयर कट। ना रे। कम मार्क्स। ना रे। हिलाना। वो पैर हिलाने की बात कर रहा हूं। इसका सही जवाब है मोबाइल फोन। मेरे घर वालों को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन मैं ही चलाता हूँ। प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो पर मोबाइल फोन को बीच में ले ही आएंगे। एग्जाम्स में फेल हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, और चला मोबाइल, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, और चला मोबाइल, वो शर्मा जी के लड़के को पाइल्स हो गया, और चला मोबाइल। लोगों को सुबह उठकर चाय मिलती है और मेरे को घर वालों के ताने। कुल मिला के अरिजीत सिंह के गाने और घर वालों के ताने किसी को भी रुला सकते हैं। उसके बाद आता है ये करियर टेंशन जो छीन लेता है अपनी पूरी अटेंशन, विच लीड्स टू मैस्टरबेशन। घर में अकेला बैठा हूँ, करियर टेंशन। बाइक चलाते वक्त करे टेंशन, हंसते वक्त करे टेंशन, सोने जाता हूँ करे टेंशन, सुबह जाता हूँ करे टेंशन, ब्रश करते वक्त करे टेंशन। जिंदगी झंड है यार साला, ये फ्यूचर ब्राइट करते करते जिंदगी डार्क हो गई है। ए, बहुत बोल लिया हमारे बारे में, अब हमसे तुमको कौन बचाएगा? थैंक यू पबजी। जिंदगी झंड है यार। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।